हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायो सेंसर के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। बस वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं बायो सेंसर होता क्या है। तो बायो सेंसर हमारा जो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस सेंसर। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, जो लिविंग सिस्टम बोल सकते हैं। सेंसर का मतलब होता है डिटेक्ट करना या सेंस करना या तो पता लगाना। जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पता लगाते हैं जिस डिवाइस के हेल्प से, उसको हम बोलते हैं बायो सेंसर बोलते हैं। तो बायो सेंसर हमारा एक एनालिटिकल डिवाइस होता है जो क्या करता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं हम बायो सेंसर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी किट देखा होगा, ठीक है, वह भी हमारा क्या करता है कि प्रेगनेंसी को पता लगाता है। प्रेगनेंसी किसकी पता लगा रहे हैं, हम बायोलॉजिकल सिस्टम एक लिविंग सिस्टम के बारे में पता लगा रहे हैं। तो वह भी हमारा क्या तरीके का बायो सेंसर। ग्लूकोमीटर भी हमारा बायो सेंसर, थर्मामीटर भी हमारा बायो सेंसर है, ईसीजी भी और स्टेथोस्कोप भी। आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आप हैं, आप गए डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया कि जो स्टेटोस्कोप लिए रहते हैं उसको क्या किया कि यह हमारा क्या है, एक डिवाइस है। स्टेटोस्कोप हमारा क्या है, एक डिवाइस है। इसने क्या किया कि स्टेटोस्कोप आपके दिल के पास लगाया, ठीक है। जैसे ही आपके दिल के पास लगाएगा तो डॉक्टर के कान में सुनाई देने लगेगा, धक 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 सुनाई देने लगेगा। तो धक धक की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, मतलब कि आपके दिल की आवाज़, मतलब दिल की आवाज़ मतलब आप क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है आपके। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो किसमें कन्वर्ट होने लगी, वह हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने लगी कि इसका जो दिल है वह 72 बार धड़क रहा है एक मिनट में, ठीक है। तो वह हमारा क्या है, स्टेटोस्कोप एक तरीके का क्या हो गया, हमारा बायो सेंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए और समझते हैं आसान तरीके से। मान लेते हैं कि यह कोई एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल सिस्टम मान लेते हैं, अगर इसके ग्लूकोज का लेवल हमें चेक करना है, ठीक है, इस पर्सन का जो ग्लूकोज लेवल चेक करना है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो बायो सेंसर क्या करेगा, उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि जो हमारा ग्लूकोमीटर आता है, ग्लूकोमीटर से हम क्या करेंगे, ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लेंगे। तो ब्लड का जो सैंपल है ये हमारा क्या हो गया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। यही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वह हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा कि इस पर्सन के बॉडी में इतने मात्रा में है जो ग्लूकोज का लेवल है, तो वही हमारा है बायो सेंसर। आइए और इजी तरीके से समझते हैं बायो सेंसर होता क्या है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम विशाल है, ठीक है। तो मुझे फीवर हो गया, मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया कि थर्मामीटर मेरे जीभ के नीचे लगा दिया, ठीक है। अब हमारा जो थर्मामीटर है, तो मैं ये क्या हूँ, बायोलॉजिकल सिस्टम हूँ, ठीक है। तो यह थर्मामीटर जो एक तरीके की डिवाइस है, ये क्या किया कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था, मतलब मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर था, उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके बता दिया कि इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे जो थर्मामीटर एक तरीके का क्या है, बायो सेंसर है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने जो है यहाँ पे एग्जांपल बता के आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बायो सेंसर आगे देखते हैं क्या है। बायो सेंसर क्या करता है कि जो सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को भी पता करता है और कितने कंसंट्रेशन में वह केमिकल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको भी पता करने का काम करता है। केमिकल का मतलब हो गया जैसे एंजाइम, एंटीबायोटिक, ये सारे केमिकल हैं हमारे बॉडी में कितने मात्रा में प्रेजेंट है उसी को पता करने का काम करता है, ठीक है। तो आइए और बायो सेंसर की थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको आधी चीज़ें जो है वर्किंग समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल को हम एनालाइड भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा सैंपल है, ह्यूमन सैंपल भी आप ले सकते हैं, फूड सैंपल भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर सैंपल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा सिग्नल कन्वेक्टर लगा रहता है, अभी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे एक हमारा इमोबिलाइज जो होती है लेयर लगी रहती है, ठीक है। इस मोबिलाइज लेयर को हम बायोलॉजिकल एलिमेंट बोलते हैं। जो बायोलॉजिकल एलिमेंट है यहाँ पे हम एंजाइम, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है, जैसे ही इस बायोलॉजिकल एलिमेंट से बाइंड करेगा जो हमारा सिग्नल कन्वर्टर लगा रहता है, इस सिग्नल को क्या करेगा, हमारा मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को तुरंत डिस्प्ले पे दिखा देगा कि यह हमारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आया। तुरंत हमारा क्या करेगा, बायो सेंसर डिटेक्ट करके बता देता है। तो आइए समझते हैं बायो प्रिंसिपल के बारे में। जो हमारा बायो सेंसर है यह हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पे काम करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
तो आगे बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की, इतनी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। पहला हमारा तो बायोलॉजिकल सॉरी बायो एलिमेंट होता है, या बायोलॉजिकल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम सेंसर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर होता है हमारा, एक एम्पलीफायर लगा रहता है, प्रोसेसर और एक डिस्प्ले यूनिट रहती है। इतनी सारी चीज़ें लगी रहती हैं। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से समझेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बायो सेंसर का जो स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरीके से होता है। एक इसमें क्या होता है कि एक हमारा बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल एलिमेंट लगा रहता है इस तरीके से, ठीक है। बायोलॉजिकल एलिमेंट हमने यहाँ पे एंजाइम लगा दिया है, और एक हमारा जो होता है सेंसिंग लेयर होती है, ठीक है। सेंसिंग लेयर होती है, इसके पहले इमोबिलाइजेशन में मैंने बताया, उसको डिटेल में बताया है, ठीक है। और एक हमारा ट्रांसड्यूसर होता है, एक एम्पलीफायर, एक प्रोसेसर लगा रहता है, और एक डिस्प्ले यूनिट लगी रहती है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एनालाइट है, एनालाइट यहाँ पे हमारा है। ए एनालाइट मतलब हमारा ब्लड भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती है, हार्मोन्स भी हो सकती हैं। जैसे ही ए एनालाइट बाउंड होंगी हमारे बायोलॉजिकल एलिमेंट, मान लेते हैं एंजाइम यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। ए एनालाइट जैसे ही इससे बाउंड होंगी तो सेंसिंग लेयर क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी ट्रांसड्यूसर के पास। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो बायोलॉजिकल सिग्नल है वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजेगा एम्पलीफायर के पास। तो एम्पलीफायर का काम यही है कि जो यहां पे सिग्नल आया है, सिग्नल को इनहेंस कर देता है, इनहेंस करके भेज देता है प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेसर का काम यही होता है कि जो सिग्नल आया है यहां से, एम्पलीफायर से आया है, उसको भेजना है डिस्प्ले के पास। तो डिस्प्ले पे भेज देता है, और डिस्प्ले पे दिखा देता है कि ए एनालाइट यहां पे आई थी, और इसके बारे में पता करके पूरी सारी चीजें बता देता है। तो ये और इजी तरीके से एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रेगनेंसी किट है यहां पे, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी हमें चेक करनी है, ठीक है। प्रेगनेंसी चेक करनी है, तो हमने क्या किया कि जो सैंपल लिया हमने, यूरिन लिया, तो यूरिन एक तरीके का हो गया हमारा एनालाइट हो गया। अब इसके अंदर जो होती है, एक ऐसे होती है इमोबिलाइज लेयर लगी रहती है, यहाँ पे ऐसे हमारे लगे रहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारा रहता है एंटीजन लगा रहता है, ठीक है। एंटीजन लगा रहता है जो इसको एनालाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यूरिन डाला, तो यूरिन क्या करेगा, यूरिन में जो कंपोनेंट्स है, एक तरीके का कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं HCG हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें HCG हार्मोन्स अगर है, ये क्या करेगा, इससे जैसे ही बाइंड करेगा मतलब कि एक तरीके का ये क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐसे डबल लाइन दिखा देता है। तो डबल लाइन जब आती है, तो मतलब कि जो गर्ल्स है, जो ओमेन है, वह क्या है, वो उसके अंदर प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे काम करता है। तो आइए बात करते हैं एक एक के बारे में, देखते हैं। तो पहले आता है हमारा एनालाइट। एनालाइट उसको बोलते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, उसको बोलते हैं एनालाइट बोलते हैं। जैसे हमें यूरिया का पता करना है यूरिन में, तो उसको बोल सकते हैं। ड्रग को हमें पता करना है, उसको बोल सकते हैं। ग्लूकोज को पता करना है कि ब्लड में हमारा कितना ग्लूकोज है, तो हमारे क्या है, एनालाइट है। अब दूसरा आता है बायो एलिमेंट। जो बायो एलिमेंट उसको बोलते हैं जो हमारे जो एनालाइट को डिडक्ट करता है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो हमारा ए एनालाइट था, एनालाइट को डिडक्ट कौन कर रहा है, कि जो हमारे बायोलॉजिकल एलिमेंट है यही तो डिडक्ट कर रहे हैं। तो वही हमारा यहाँ पे लिखा गया, जैसे ड्रग हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है, ठीक है। अगला बात करते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम यही है कि ये इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है, जो मतलब कि यहाँ पे एनालाइट गया, इससे बाइंड किया, तो क्या करेगा, तुरंत ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो ट्रांसड्यूसर है सिग्नल भेजता है एम्पलीफायर के पास। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि एम्पलीफायर का मेन काम यही है कि जो यहां से सिग्नल आया है, मतलब ट्रांसड्यूसर के पास जो सिग्नल आया है, उसी सिग्नल को, उसी बायोलॉजिकल रिस्पांस को इनहेंस कर देता है, बायोलॉजिकल सिग्नल को इनहेंस करने का काम करता है। फिर क्या करता है कि जो एम्पलीफायर है सिग्नल भेजता है प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर का काम यही है कि सिग्नल को एनालाइज करना, एनालाइज करके जो है उसको आउटपुट भेजना, मतलब कि वह डिस्प्ले के पास भेजने का काम करता है। और डिस्प्ले क्या करता है कि डिस्प्ले जो आउटपुट आया है प्रोसेसर से, उसी को क्या करता है, डिस्प्ले पे दिखा देता है। तो यही सारी चीजें इसमें आपको लिखनी है बना के, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। वर्किंग आई होप आपको थोड़ा मोड़ा पता लग गया होगा, ठीक है। तो पहला लिखा कि एनालाइट बायोलॉजिकल मटेरियल। तो एनालाइट क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल से बाइंड करते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारा एनालाइट है,
एनालाइट जिसके बारे में पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल एलिमेंट इस तरीके से लगा रहता है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर प्रोसेसर और डिस्प्ले है। ये जैसे ही हमारे एनालाइट क्या करते हैं, इस जो बायोलॉजिकल एलिमेंट है इससे जैसे ही बाइंड करेंगे तो जो सेंसिंग लेयर है इसको तुरंत सेंस कर लेगी, पता कर लेगी कोई चीज़ आके यहाँ पे बाइंड किया है। अब क्या करेगा, जो सेंसिंग लेयर है ये सिग्नल भेजती है इसके पास, ट्रांसड्यूसर के पास। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो यहाँ पे सिग्नल आया है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया इसके पास, ये क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद भेज देगा एम्पलीफायर के पास। तो एम्पलीफायर का काम मैंने बताया कि यही है कि जो सिग्नल आया है यहीं पे उसी को थोड़ा बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है। तो सिग्नल को इसने क्या किया, बढ़ा दिया और भेज दिया प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा कि यही करेगा कि जो यहां से आया है सिग्नल, ठीक है, उसी को क्या करेगा, एनालाइज, उसी को पहचानेगा। पहचानने के बाद क्या करेगा, डिस्प्ले के पास भेज देगा। तो डिस्प्ले क्या करेगा, दिखा देगा मॉनिटर पे कि ये सिग्नल यहां पे इस चीज का आया है। तो वही सारी चीजें लिखी गई कि बायोलॉजिकल मटेरियल से एनालाइज बाइंड करेगा, बाइंड करेगा तो जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वह ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा, तो वह इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर से जाता है एम्पलीफायर के पास, एम्पलीफायर क्या कर देता है, उसी बायोलॉजिकल जो सिग्नल है उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनहेंस कर देता है। इनहेंस करने के बाद जो प्रोसेसर के पास एक आउटपुट भेजता है, तो जो आउटपुट रहता है उसको प्रोसेसर क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद डिस्प्ले पे दिखा देता है। यही वर्किंग है, बहुत ईजी तरीके से लिखा गया, इसको यहां से देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायोसेंसर के बारे में, कितने तरीके के बायोसेंसर होते हैं। तो बायोसेंसर यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आता है हमारा कोलोरीमेट्री बायोसेंसर, जिसको हम थर्मल बायोसेंसर बोलते हैं। थर्मल बायोसेंसर उसको बोलते हैं जो टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है, मतलब कि कितना जो टेम्परेचर रिलीज हुआ है, कितना टेम्परेचर जो होता है एब्जॉर्ब हुआ है, कोई चीज एब्जॉर्ब किया है, उसी को क्या करता है कि उसी को पता लगाता है। जैसे हमारा हो गया थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, मतलब कि जैसे हम टंग के नीचे लगाएं तो टंग क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, उसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में लगाएं जैसे, तो क्या करेगा, तुरंत एनालाइज करके बता देगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वही हमारा है कोलोरोमेट्री या बोल सकते हैं थर्मल बायोसेंसर। दूसरा आता है हमारा पोटेंशियोमेट्री बायोसेंसर, पोटेंशियोमेट्री उसको बोलते हैं जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन के टाइम जो होती है, एराइज होती है, उसी को क्या करेगा, मेजर करने का काम करता है। जैसे हमारे आते हैं इसमें यूरिया बायोसेंसर आते हैं। तीसरा आता है हमारा जो बायोसेंसर, एम्प्रोमेट्रिक बायोसेंसर आता है। ये बायोसेंसर क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेजर करने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एग्जांपल में आता है ग्लूकोज बायोसेंसर आते हैं, जो ग्लूकोज लेवल को चेक करने का काम करते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे आता है कंडक्टोमेट्री बायोसेंसर, तो कंडक्टोमेट्री बायोसेंसर एक ऐसे बायोसेंसर होते हैं जो आयनिक कंसंट्रेशन को पता करते हैं, कि मतलब कि जो कितने मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर जो है आयंस हैं उसके कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है यूरिया बायोसेंसर। अब हमारे यूरिया जो है, मतलब कि यूरिन के अंदर कितने मात्रा में यूरिया है, यूरिया के मतलब आयनिक कंसंट्रेशन को यह मतलब मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर के बारे में, क्या क्या एप्लीकेशन है बायोसेंसर का। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि जो बॉडी फ्लूड्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिया है, ये सब हमारे बायोलॉजिकल फ्लूड हैं, इसी को क्या करता है कि यह पता लगाने का काम करता है बायोसेंसर हमारे की, ठीक है, कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कितना है, यूरिया हमारे बॉडी में कितना है, यही सारे जो सब्सटेंस होते हैं इसी को पता लगाने का काम हमारा बायोसेंसर करता है। ठीक है, फूड को एनालाइज करने का काम करता है कि हमारे फूड में कितने मात्रा में क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसको भी हमारा मेजर करने का काम जो है, एनालाइज करने का काम हमारा बायोसेंसर करता है। क्राइम डिडक्शन में भी काम करता है, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई मर्डर कर देता है, ठीक है,
या कोई किसी का रेप कर दिया है, ठीक है, उस टाइम क्या करते हैं, क्राइम के टाइम भी हम डिडक्शन करने के लिए, ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी को डिडक्ट करने के लिए भी हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। जेनेटिक मॉनिटरिंग के बारे में, मतलब कि किसको कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है उसके बारे में भी पता करने का काम हमारा बायोसेंसर करता है। मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में भी चीज़ें पता करने के लिए हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। जैसे बात करते हैं क्लिनिकल में, क्लिनिकल में एग्जाम्पल में लेते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है कि वह बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है, तो वह भी हमारा एक तरीके का बायोसेंसर है। लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर रहता है वह भी हमारा होता है, ठीक है। अगला दिया कि हम कोई भी अगर फूड हमारे पास है, फूड हमारा फूड के जो फ्रेशनेस होती है और उसका जो ऑर्डर होता है, मतलब उसका टेस्ट कैसा, उसकी गंध कैसी है, ये सब सारी चीज़ें भी चेक करने के लिए हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है कि जो पैथोजन हमारे फूड में कितने मात्रा में पैथोजन है उसके बारे में डिडक्ट करने का भी काम हमारा बायोसेंसर करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में कितने मात्रा में पॉल्यूशन है, ठीक है, कितने पॉल्यूशन है उसको भी मॉनिटरिंग करने का काम हमारा बायोसेंसर करता है, ठीक है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारे फूड हैं, ठीक है, फूड में कितने मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ किए गए हैं इसको भी मेज़र करने का काम हमारा बायोसेंसर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।